हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मटेरियल्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एवेंजर 4 का एक कमाल का अपडेट, और वो कमाल का अपडेट है टाइमलाइन। आप सभी को पता है कि एमसीयू की टाइमलाइन बिल्कुल एकदम क्लियर होती है, यानी कि बिना किसी कंफ्यूजन के, जैसा कि एक्समैन यूनिवर्स होता है जो की टाइमलाइन उल्टी सीधी होती है, बट एमसीयू की जो टाइमलाइन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और हम बात करेंगे एवेंजर 4 की टाइमलाइन के बारे में कि उसकी टाइमलाइन कब की है। आप सभी को पता है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसमें कि सारे एमसीयू के कैरेक्टर एक साथ मिलने को आए, फिर भी कोई टाइमलाइन में कंफ्यूजन नहीं हुआ। बट अब एवेंजर 4 की टाइमलाइन कुछ ज्यादा ही आपको हैरान करने वाली है। एवेंजर 4 की जो टाइमलाइन है उसमें है 5 साल का अंतर, यानी कि इन्फिनिटी वॉर के बाद सीधा एवेंजर 4 को 5 साल हो जाएंगे इसकी टाइमलाइन के हिसाब से। भले हमें ये मूवी 1 ईयर के बीच में देखने को मिल रही है, फिर भी इस मूवी के बीच में 5 साल का गैप दिखाएंगे। तो एक रूमर है, फिर भी मुझे लगता है कि 100% ऐसा हो सकता है। शायद मे भी 5 साल लग सकते हैं आयरन मैन को टाइटन प्लेनेट से अर्थ पर आने पर, या कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो कि 5 साल का बीच में जो गैप दिखाया वो क्या हुआ, वो सब हमें शायद देखने को मिल सकता है एवेंजर 4 में। फिर भी आज का अपडेट तो यही है रूमर के हिसाब से कि एवेंजर 4 की जो टाइमलाइन होगी वो 5 साल की होगी, यानी कि इतना बड़ा सारा टाइम कहां गया। तो काफी बड़ा सवाल आता है आप लोगों के मन में और मेरे मन में भी। फिर भी अगर आपको लगता है कि 5 साल का टाइम ऐसा क्यों दिखा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उसको हल्के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।